काशीपुरी में वह रहते थे, अचल भक्ति कर वहने सारे पृथ्वी को जगाया था। वह डोम जातिक में से आते थे। जिस समय इनकी भक्ति के पूरे प्रचार पृथ्वी पर हुआ, उस समय उनके पिताजी के नाम था नरहर, माता के नाम थे कुलपति। वह बिल्कुल साकट थे। सुदर्शन जी कितने माता पिता के समझाए, लेकिन वह पुत्र मोह के कारण वह भक्ति नहीं कर सके। लेकिन सुपन सुदर्शन के भक्ति के बादौलत वह नरहर जी और कुलपति उनकी माता और पिता का फिर मनुष्य का शरीर मिला। जब शरीर छूटा तो फिर मनुष्य का शरीर मिला। जब मनुष्य का शरीर मिला तो वह ब्राह्मण घर में पैदा लिए। उस समय का नाम कल बताएंगे। ठीक इसी प्रकार से वह पांच जन्म हुए। सुदर्शन साहब का जब समय पूरा हुआ तब अमर लोक से वायुवान आया और सुदर्शन जी शरीर छोड़ करके और सत्पुरुष के साथ अमर लोक चल गए। वहां पर सुदर्शन जी सत्पुरुष से अर्जी किया कि हे सदगुरु, हमारे माता पिता का भी लोक लाइए। उनकी अर्जी से सुदर्शन जी के माता पिता को लेने के लिए फिर मृता लोक में आए और ले गए। शुपल जी के रहते हुए समय में द्वापर युग में जब महाभारत हुई तो महाभारत में ये पांचों पांडव 56 करोड़ यदुवंशी को नाश किया। अब तब कृष्ण के पास गए, कहें कि हे प्रभु, इतना खून खतरा हुआ, अब मुझे उधार कैसे होगा, इसलिए एक जग का डेट हमको दीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के रह जाते हैं, कहते हैं राजन ठीक, मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुन लो। आप जब जग का डेट मांगते हैं तो आप सारी पृथ्वी में जितनी तीर्थ हैं पहले आप भ्रमण करके आइए, तब हम डेट बनाएंगे। सुदर्शन जी के युधिष्ठिर महाराज जाने के लिए जब तैयार हुए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनिए राजन, यह हम एक तितकदुआ दे रहे हैं। तितकदुआ का एक तुमरी होता है जिसको कमंडल कहता है, इसको लेते जाइए और जहां जहां तीर्थ में स्नान कीजिएगा इसको धो करके उस तीर्थ स्थान से थोड़ा सा जल हमारे लिए लेते आइएगा। युधिष्ठिर जी चल दिए। सारी पृथ्वी में जितना तीर्थ थे सब रम लिया और थोड़ा थोड़ा जल भगवान के लिए लेते आए। जब कृष्ण जी लौट करके, युधिष्ठिर महाराज जब कृष्ण के पास आए तीर्थाटन से, आनंद की ध्वनि बजना शुरू हो गया।
चरण स्पर्श करके युधिष्ठिर महाराज आसन पर बैठ गए। भगवान कृष्ण को सौगात हुआ तुमड़ी जो था हाथ में दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा राजन ठीक है, पहले आप प्रसाद ले लीजिए। वो तित कदुआ के चत्ता थोड़ा सा तोड़ करके और चुटकी से मांझ करके और युधिष्ठिर महाराज को दिए, कहने की पहले इसको पाइए। जब मुंह में लिए तो भारी तीता होता है, थू-थू करना शुरू कर दिए। युधिष्ठिर जी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन क्यों थूक-थूक किया? कहें कि प्रभु इतना तीता है, कहें तीता है, इतना तीर्थाटन में स्नान करने पर भी इसका तीता ही नहीं गया। कहीं नहीं प्रभु, कहीं तो तुम इतना 56 करोड़ जदुवंशी को स्त्री का जो सिंदूर आप धोया है एक जग करने से तुम्हारा क्या पाप कट जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक, संतोष के लिए एक जग का डेट दे दिए, एक जग का डेट दे दिए। युधिष्ठिर महाराज आए अपना आसन पर घर और 80 करोड़ मुनिवर जूटी पंडित क्रोटी 25 एक सुपर भगत के चरण बिना तूला न काहू के शीश। बड़ा बड़ा बड़ापन में बूढ़ गए बड़े कलून और नीचा नीचा तर गए जो भक्ति का लोगी। 80 करोड़ मुनि के बुलाए, 25 करोड़ पंडित के बुलाए, सुपर भगत को डूम जान करके निमंत्रण नहीं दिया। वह आकाश में घंट बजना था, जब जग पूरा होता तो आकाश से घंट बजता, लेकिन सारी सामग्री बड़े बड़े वो सरदार वाले पगड़ी बांध बांध के आए, मुनि महात्मा पंडित लोग सारे सामग्री खा गए, लेकिन घंट नहीं बजा। जब घंट नहीं बजा तो युधिष्ठिर महाराज को बनवना के पसीना आता है, दौड़ करके कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु सारी सामग्री समाप्त हो गया लेकिन घंट नहीं बजा, कहीं जगपुर में आपका नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उसमें एक को साधु पैदे नहीं किया भोजन। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रभु 80 करोड़ तो मुनि को हमने बुलाया, 25 करोड़ पंडित को बुलाया, इतना में कोई साधु नहीं था? कहीं कोई साधु नहीं था, कुल पिटरा गई था। कहीं कौन सा साधु प्रभु, आप बताइए, मैं उनको बुलाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनो, बगल में सुदर्शन जी रहते हैं, उनको प्रेम आदर भाव से बुला करके लाओ और जब परमारथ करेंगे जितने कौर वो परमारथ करेंगे उतना घंट बजेगा। युधिष्ठिर महाराज लौट के आता है और भीम को कहा बुलाने के लिए कि भीम अपना भाई छोटा जो बलवान था उनको बुलाने के लिए कहा। भीम सुपन सुदर्शन जी के आदर भाव से बुला के ले आओ। भीम राजा के बानी सुन करके कहा कि राजा के माथे में खराब है, इतना बड़ा बड़ा मुनि महात्मा भोजन किया तो जग नहीं पूरा हुआ, अब ये डोमा को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन आदेश है जाना ही है। वो मन में धारण करके चला कि कहीं अड़बड़ करेगा सुपन जी तो एक ही भूसा में पताल भेज देंगे। बाबा वहाँ आगम दिगम जानने वाले
इनकी दिल की बात वह जान गए। सुपन जी के द्वार पर भीम पहुंचता है। सुपन सुपन आवाज देता है। उस समय बाबा पूजा पर बैठे हुए थे। बाहर आए कहें कि राजन, पूजा पर हम थे, आपका आवाज सुन करके, लेकिन भगवान को ध्यान में हम थे, क्षमा करेंगे। कहें ठीक, तुम जल्दी से तैयार हो। राजा घर में तोरा बोला हटावा भ्रंश स्वागत से कहा। तो संत बड़ा परमारथी, शीतल उनकी अंग, तपन बुझावे आवरण को, दे दे अपनी अंग, धूम धाम धरती सहे, बूंद सहे दरियाओ, उठकुद वचन कोई संत सहे, जिनकर दिल दरियाओ। संत होते ही सागर की तरह, और पानी से भी शीतल होते हैं। ऐसा ऐसा आभ्रंश शब्द बोला भीम, लेकिन संत जी जरा सुन मन में उस बात को नहीं लाए। सोचिन कि अब तो राजा को परीक्षा लेनी चाहिए, करते क्या है, दो गो लिट्टी निकाले। सुपन जी कहीं राजन, हम उन्हीं को घर जाते हैं जो पहले हमारे यहाँ भोजन कर लेते हैं, लेकिन भोजन का समय तो है नहीं राजन, लेकिन नाश्ता का समय है। ये दो गो लिट्टी हमारे पास है, एक लिट्टी आप पाल लीजिए और एक लिट्टी मैं पाल लेता हूँ, थोड़ा जल पी के और चलेंगे। भीम तो हाथ में लिया जरूर, लेकिन भला संदेह हो गया कि लो बताओ डुम्मा के हम लिट्टियाँ खाएंगे। वो किसी प्रकार से नजर घुमा करके फेंक दिया। संत जी अपना लिट्टी को पाए आगे बढ़े, तो संत जी जो भीम फेंका था लिट्टिया को, वह संत जी उठा करके अपने पॉकेट में रख लिए। और जब चले अब भीम को परीक्षा लेने के खातिर, अपना सुमरनी माला जो था अपना आसन पर छोड़ दिया, कुटिया से निकल गए। चलिए राजन, कुछ दूर जब जाते हैं तब मूर्छा के बाबा बैठ जाते हैं। भीम कहता है कि संत जी क्यों बैठ गए हो, चलो वहां राजन इंतजार कर रहे होंगे। बाबा कहते हैं कि भीम चौथापन मेरा आ गया बेटे, आदकाल मेरा ध्वस हो गया है, मेरा सुमरनी माला मेरा बिछोने पर रह गया। अब हम तो बुढ़ा हैं, अगर हम लाने के लिए जाएंगे तो जाते जाते सांझ हो जाएगा। अब तुम आप पहलवान है, दौड़ करके जाइए, मेरा सुमरनी माला को उठा कर ले आइए। भीम सिंह वाणी सुन करके क्रोध से लाल हो जाता है और चला सुमरनी लेने के लिए। कुटी पर आया, टाटी खोल करके भीम अंदर घुस जाता है। देखते कि बिछावन पर आसन पर सुमरनी माला रखा हुआ है। सोचा कि उठा लेंगे, तो एक हाथ जब लगाया सुमरनी माला में, भीम 10,000 के हाथी का बल था भीम सिंह की। जब हाथ से एक हाथ लगाया तो हिल डुल नहीं हुआ, दोनों हाथ लगाया तो हिल डुल नहीं हुआ। तब 10,000 हाथी का बल लगाया, लेकिन सुमरनी वाला है हिल डुल नहीं हुआ। खड़ा हो जाता है भीम, वह सोचना शुरू कर दिया
अब मैं क्या करूं, कौन सा संदेश लेकर के बाबा के पास जाऊं। लेकिन लज्जित होकर के वो चला, सुमरने वाला वहीं रह गया। बाबा यहां बैठे हुए थे, कहें लाइए राजन, बड़ा देर हुआ। कहें कि बाबा मैं क्या कहूं, आपका सुमरनी में तो शोर लगा हुआ, वो तो धरती में गड़ा हुआ है। मैं दोनों हाथ से जोर लगाया लेकिन डोला नहीं, दसों हाथ हजार हाथी का बल लगाया लेकिन डोला नहीं, मैं नहीं उठा सका सुमरनी को। बाबा कहते हैं कि रे भीम, जब हमारा सुमरनी तुमसे नहीं उठ सका, तब एक ही घूसा में हमको पताल कैसे भेज रहा था रे चंडाल। थरथरा के चरण पर गिर जाता है भीम, कहते जाओ हम नहीं जाएंगे, जाओ तुम अपना महारानी द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज को भेज दो। भीम लज्जित होकर के लौट जाता है, आया अपने महल पर, सारी हाल युधिष्ठिर महाराज को कहा, युधिष्ठिर जी द्रौपदी के लिए और संत जी के पास चले। संत जी के पास जब चले तो चरण उठा करके चले वहां, और जाकर के दोनों पति पत्नी ठड़े चरण में गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि सुनो राजन, हम जाएंगे जरूर, लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ का फल पहले हमारे यहां जमा कर दो, तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? राजा धीमर बेसिया पासी, या घर भोजन जमपुरवासी। हम तुम्हारे घर में जब हम भोजन करेंगे तो राजा का अनाज कैसा होता है, गरीब का खून का चूसा हुआ, और मेरा पाप लगेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राजा भीमर, मलाह के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, पासी के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, राजा भीमर बेसिया बेसिया के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, ये सब जो भोजन करेगा उसका जमपुर जाना है, इसलिए राजन हम नहीं जाएंगे, तुम 10 अश्वमेध यज्ञ का फल हमको यहाँ जमा कर दो। राजा युधिष्ठिर महाराज थरथरा के रह जाता है, हाथ जोड़ करके द्रौपदी जी उठ जाती है, कहती है प्रभु हमारा एक अर्जी, नाथ दया करें, संत दरस को जाइए, छोड़ कपट अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, क्रोटिन जग समान। हे प्रभु, मैं अपने गृह से आपके स्थान पर आने में जितना डेग हमको हुआ है, वह शास्त्र की मत से इतना जग का फल हमने प्राप्त कर लिया है, आप प्रभु तो 10 अश्वमेध यज्ञ का फल माने, तो आप ले लीजिए, बाकी जितना जग का फल हमको मिला है वो हमको छोड़ दीजिए। बाबा शास्त्र के ख्याल से, भक्ति मार्ग के ख्याल से समझ जाते हैं कि ये द्रौपदी महारानी धन है, कहें कि बेटी अब मैं चलूंगा। लेकिन वो जो भीम जो लिट्टी जो फेंका था, जो बाबा उठा के रख लिया था, उसको दो आधा कर दिया, कहें कि हे राजन पहले तुम भोजन कर लो, उसके बाद हम चलेंगे। जो ही युधिष्ठिर महाराज कल्ला तर दबाता है कि तीनों लोग सूझना शुरू हो गया, अब तब बाबा चले। जब बाबा चले आए यहां, युधिष्ठिर महाराज का
स्थान पर आसन बासन दे करके बैठाया। और द्रौपदी महारानी बाबा से आज्ञा लेकर के भोजन बनाने के लिए चल दिए। कैसे भोजन बनाए? एक बार स्नान करके एक व्यंजन बनावे, कपड़ा बदल ले, फिर दूसरे बार स्नान करे, दूसरी भोजन बनावे। इसी प्रकार से 52 बार स्नान किया, 52 तरह के व्यंजन द्रौपदी महारानी ने तैयार किया। सारे मुनि महात्मा बैठ गया, बाबा बैठ गए। जब अलग अलग से जब बामनों को व्यंजन को थाल में परसाया, अब बाबा सोच रहे हैं कि अगर इधर से पाते हैं तो इसको अपमान होगा, इधर से पाते हैं तो इसको अपमान होगा। बस सबको मिला दिया, एक के बार सबको घाट दिया। द्रौपदी महारानी धरोखा पर से देख रही थी, उनके मन में हो गया शक्का शंका, कहीं राम राम आहा, ये डोम्मा वाला जतिया हीटर गिंजल के खाल छुआ नहीं जाए, हम कितना मुश्किल से बनाया। तब तक 3 कोर बाबा भोजन किया था। अब जो द्रौपदी महारानी के हृदय में ऐसा हुआ, वहां पर रुक गया। उस जगह हुआ कोची, अब करोहल मच जाता है। तो बामन कटोरी से व्यंजन बटोरी, सुदर्शन मिलोलन थाली में, एक दोई कोर जब पहलन सुदर्शन, तो घंटा बजे झंझकारी में, रुक गए हाथा तो भये सनाथा, द्रौपदी देखी अटारी से। तो बाबा कहते हैं, अरे सागो में नीमक नहीं बुझाता, जाके तू देखा कड़ाही। हे द्रौपदी महारानी, तुमने बारी बारी से यही ना सोच रहे हो कि बारी बारी से स्वाद लेता, मैं इधर से पाते तो इनको अपमान होता, इधर से पाते तो इनको अपमान होता। अब जाओ तुम देखो, दौड़ करके जाती है, कड़ाही में चक करके देखती है, वास्तव में धोखा हो गया था। बाबा उतना मिला देला के बाद कैसे जान गए कि साग में नीमक नहीं पड़ा, वह तो अगंधी कम जानते। अब जो है द्रौपदी महारानी थरथराना शुरू कर दी। अरे सागो में नीमक नहीं बुझाता, जाके तू देखा कड़ाही में। सागो में नमक नहीं बुझाता, जाके तू देखा कड़ाही में। क्या है बोला, थर थर कांपे द्रौपदी रानी, थर थर कांपे शरीर में, अरे समूचे घा देह में घाम बुझाता, बदन कांपे थर थराई में। अरे डरना शुरू कर दी, कांप रही है, कांप रही, सोच रही है, अब मैं करूं क्या करूं। तो हाँ, मन मन सोचे द्रौपदी रानी, मन मन करे बिचारे में, अरे समूचे देह में घाम बुझाता, बदन कांपे थर थराई में। थरथरा रही है और सोच रही है, ढेर जोगी अलन ढेर जोगी गेलन, ऐसन नैलन दुआरे में, अरे आगम निगम सब जानत है जोगी, जर गए भाग हमारी में।
या गम निगम सब जानत है जोगी, जर गई भाग हमारी में। राजा युधिष्ठिर द्रौपदी रानी दौड़ के आ गए अगाड़ी में, और चरणों में मस्त कदलन झुकाई। राजा रानी दोनों प्राणी में चरणों में मस्त कदलन झुकाई। राजा रानी दोनों प्राणी में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी रानी बिनती करे कर जोरी के, अबरी के चूका माफ करो सदगुरु, हो गई भूप चुका मोसे भारी। द्रौपदी पत्नी बाबा के चरणों में अपने कसूर को क्षमा करने के लिए नतमस्तक हुए, सारी कसूर माफ कर दी। लेकिन जाओ अब 3 घंटे बजेगा, अब 7 घंटे नहीं बजेगा। 3 घंटे बजा, राजा के जग अधूरा रहा, पूरा नहीं हुआ। सारे लोग अपना अपना वतन को चल गया, बाबा अपने स्थान को गए।